हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सिंस चैनल्स नेम इज़ शिवानी टॉक कॉम, सो मैंने सोचा इस बार क्यों ना थोड़ी बातचीत की जाए। सो अगर आपको याद हो तो इस चैनल पे सबसे पहली जो वीडियो डली थी वो थी हाउ आई बॉट माय हाउस एट द एज ऑफ 22, और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने कैसे 25 साल की उम्र में अपना होम लोन चुकाया। मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे, बहुत सारे मुझे कमेंट्स, क्वेश्चंस, डीएम्स बहुत सारे रिसीव हुए थे, जहां पे लोगों ने ये मेंशन किया था कि वो मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई पेड माय होम लोन एट द एज ऑफ 25। बट विद टाइम कहीं ना कहीं मेरे माइंड से स्किप हो गया और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाना भूल ही गई। बट आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम सिंस आई हैव क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर्स। सो आई थिंक हर कोई सब्सक्राइबर दे डिज़र्व टू नो मी एज अ पर्सन, माई पर्सनैलिटी, हु आई एम, एंड दे डिज़र्व टू नो मी बेटर एक्चुअली। सो मैंने सोचा क्यों ना अब वीडियो बनाई जाए गेट टू नो मी पे, जहाँ पर आपको मेरे बारे में जानने को भी मिलेगा और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैंने कैसे 25 साल की उम्र में होम लोन अपना चुकाया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एज सून एज आई ग्रेजुएटेड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब्स। नाउ ऑब्वियसली व्हेन आई ग्रेजुएटेड उस टाइम पे ये यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स, ट्रैवल व्लॉगिंग, ये सब टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, और शायद से अगर करते भी हों तो मुझे उनका आइडिया नहीं था। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था प्लेसमेंट्स पे बैठना और जॉब ढूंढना। अब ग्रेजुएट होने के बाद से MNC पे जॉब लगना, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बट मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगी। सो बात करते हैं जब मुझे MNC पे जॉब लग गई। सो जैसे ही मुझे जॉब लगी आई हैड टू पे माई एजुकेशन लोन, बिकॉज मैंने एजुकेशनल लोन लेकर के अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट की थी, BTech किया था। तो आई हैव डन माई यू नो स्टडीज ऑन माई ओन, सो आई हैड टू पे माई एजुकेशन लोन। तो मैंने जितनी भी मेरी सैलरी आती थी तो उससे मैंने एजुकेशन लोन अपना पे करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मेरा एजुकेशन लोन पे हुआ तो उसके बाद, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था एक घर खरीदने का, सिंस माय मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो आई वाज ऑलवेज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सो मेरे शोल्डर्स पे हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी और मैंने हमेशा से सोच के रखा था कि मुझे अपनी मम्मा के लिए एक घर खरीदना है। सो जैसे ही मेरा एजुकेशन लोन ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई घर खरीदने की, एंड दैट टाइम आई वॉज हार्डली इन माई अर्ली 20s, और मैंने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कैसे घर खरीदा उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसको अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है सो द लिंक इज हियर, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो मैंने उस हिसाब से अपनी सेविंग्स करने स्टार्ट कर दी और कुछ टाइम के बाद मैंने डाउन पेमेंट करके अपने मम्मा के लिए घर खरीद लिया। एंड मेरे लिए घर खरीदना क्यों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दैट टाइम वी वर लिविंग इन द रेंटेड अपार्टमेंट, सो मुझे मम्मा के लिए घर खरीदना था। सो मैंने होम लोन लेकर के किसी ना किसी तरीके से वो घर खरीदा, बट वो लोन जो था, क्योंकि मेरी सैलरी कम थी और मुझे लोन 30 years के लिए लेना पड़ा था एंड आई वॉज पेइंग अ बिग अमाउंट ऑफ EMI एवरी मंथ एवरी ईयर, और वो लोन मेरा 30 years तक चलता। बट आई डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट माई लाइफ, यू नो 30 years ऑफ माई लाइफ इन जस्ट पेइंग ऑफ माई होम लोन। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़। अब मेरे पास उतना पेशेंस नहीं था कि मैं अपनी जॉब से जो सैलरी आ रही है मैं उससे होम लोन पे करती रहती और फिर मैं 30 years तक अपना होम लोन पे करती, या फिर मैं यू नो स्विच करती, तो उतना ज़्यादा मेरे में पेशेंस नहीं था। और फिर मेरे में इतना पेशेंस था कि मैं एक कंपनी में रह करके एक ऑन साइट की वेट करती, और वैसे भी ऑन साइट में उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, आपको बहुत ही मिनिमम वेजेस पे भेजा जाता है। लेकिन जब आप एज एन एक्सपैट किसी और कंट्री में जाकर के काम करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर दिया जाता है, स्पेशली अफ्रीकन और अरबिक कंट्रीज़ में, क्योंकि अरबिक कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में कोई जाना जल्दी से जाने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए दे ऑफर मोर एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़। और इसीलिए सिंस मैंने ऑन साइट का वेट नहीं किया और मैंने कोई यू नो स्विच करने का वेट नहीं किया, और आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, और उसी हिसाब से कुछ दिनों बाद मुझे एक ऑफ़र आ गया अफ्रीका से।
अब अफ्रीका जाने से पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया बिकॉज लोगों की प्री अजम्पशंस रहती हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए. दे टोल्ड मी कि देयर इज़ लॉट ऑफ पॉवर्टी, देयर इज़ लॉट ऑफ क्राइम एंड वहाँ का लाइफस्टाइल ट्राइबल लाइफस्टाइल होता है एंड यू विल नॉट बी कम्फर्टेबल देयर. सो बहुत सारी मुझे नेगेटिव चीज़ें बताई और मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश करी, बट मैंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी एंड आई फॉलोड माई हार्ट. I was the first Indian woman to travel that country. But still मैंने ये risk लिया just because I knew I had to pay my home loan. So बस इसी सोच से मैं निकल गई अफ्रीका के लिए. अब जैसे ही मैंने अफ्रीका में जॉब ज्वाइन करी तो obviously मेरी जो सैलरी थी वो सिक्स फिगर्स सैलरी थी, तो मेरी within 7 to 8 months मेरा होम लोन कम्प्लीट हो गया. So that's how I finished my home loan. You know, that's how I repaid my home loan. So जैसे मेरा home loan complete हुआ तो मैं 1 year के बाद वापस आ गई इंडिया में. And इंडिया आने के बाद मुझे ऐसा feel हुआ, I felt like, you know, a princess. कि अब तो मैं जो भी मेरे मन में आएगा मैं वो कर सकती हूँ. Because earlier मेरे कभी मैं जॉब क्विट करने का रिस्क नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई शोल्डर्स. तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बट नाउ सिंस मैंने एजुकेशन लोन भी पे कर दिया था और होम लोन भी पे कर दिया था और एक मम्मा के लिए घर भी दिला दिया था, सो आई वॉज फ्री इन अ वे. सो इसलिए मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया. बट ऑल्सो ऑब्वियसली मुझे एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम मुझे चाहिए स्टार्टिंग में, तो मैंने IT में फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया. बट दिस टाइम आई डिंट हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू नो ऑन माई शोल्डर्स. तो मैंने YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया और इनिशियली मैंने सबसे पहली जो वीडियो निकाली और डाली अपने चैनल पे वो थी हाउ आई बॉट माई हाउस एट द एज ऑफ 22. यू नो, you see the level of excitement, how excited I was. Now I wanted to share my story to everyone. You know, मैं चाह रही थी कि मेरी स्टोरी हर कोई सुने. सो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी एक दिन और बताऊँगी कि मैंने कैसे अपने 25 साल की उम्र में लोन चुकाया. एंड आई थिंक नाउ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट एंड यू नो दैट मैंने कैसे लोन चुकाया था 25 साल की उम्र में. सो आई थिंक आई वॉज ऑल लकी एंड मेरी प्लानिंग थी और मैं प्लानिंग के हिसाब से चली और मेरे गोल्स हमेशा क्लियर रहे मुझे कि मुझे हर स्टेप पे कि मेरा कौन सा गोल क्या प्रायोरिटी है, कौन सा गोल मुझे पहले टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंग मैंने हर बार प्लानिंग करी और प्लानिंग के हिसाब से चली. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई मैं अपने गोल्स कंप्लीट करने लायक हुई. दिस इज़ माय होल स्टोरी एंड दैट्स व्हाई आई हैड स्टार्टेड दोज यू नो फाइनेंशियल सीरीज वेयर आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट माई एक्सपेंसिस, माई सेविंग्स, माई एक्सपीरियंसिस, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंसिस विद पीपल, माई ओन स्टोरी विद पीपल, बिकॉज आई थिंक माई स्टोरी इज एन अमेजिंग स्टोरी. आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी क्लिक कर दे और अगर भी क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.